हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर जा रहे हैं ख्वाब दिल्ली, जो कि बहुत ही बढ़िया कैफ़े है और हमें स्पेशली वहाँ पर इनवाइट भी किया गया है, तो आज हम जा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं ना, तो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन आपको नियरेस्ट पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं कैफे की तरफ और कैफे का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे आपको। अच्छा लगेगा तो अच्छा बताएंगे और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छा नहीं बताएंगे। वैसे लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं कैफे के लिए, तो चलिए चलकर देखते हैं कैफे कैसा है। तो दोस्तों थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पार करके अभी हम कैफे के बाहर पहुंच चुके हैं और एक बार आपको दिखा देते हैं कि बाहर से यहाँ का कैसा लुक आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा है। हमको इधर से जाना है अंदर। दोस्तों अभी हमने सेकंड फ्लोर पर आकर कैफे के अंदर एंट्री कर दी है और कैफे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो चलिए अब आपको कैफे के एम्बियंस का ओवरव्यू देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का म्यूजिक कॉर्नर, जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ डांस कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैफे की वाइब की बात करें तो प्रॉपर यहाँ पर क्लब वाइब है, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। एंड क्लब वाइब से हमारा मतलब है कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है, प्लस लो लाइटनिंग है, तो आपकी पिक्चर्स काफी ज्यादा अच्छी आएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको एवरी काइंड ऑफ टेबल मिल जाएगी और ये काफी ज्यादा स्पेशियस कैफे है, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हो और आप बड़ी फैमिली में रहते हैं तो भी ये जगह सूटेबल है और आप अपने बड़े फ्रेंड ग्रुप के साथ भी आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर अपना कोई स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओकेजन के लिए स्पेशल डेकोरेशन भी हो जाती है, जिसके लिए आपको इनको थोड़ी देर पहले बताना पड़ता है। और दोस्तों अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का लाइव बार काउंटर, जहाँ पर आप अपनी ड्रिंक्स प्रिपेयर होते हुए देख सकते हैं। और वैसे तो यहाँ पर नॉन अल्कोहल ड्रिंक्स के भी काफी सारे ऑप्शन है, बट अल्कोहलिक ड्रिंक्स का इनका बहुत ही डाइवर्स मेन्यू है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ का फूड मेन्यू। एंड एज यू कैन सी, इनका फूड मेन्यू काफी ज्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर ये चाइनीज कुजीन सर्व करते हैं, उसके साथ ही साथ आपको पिज्जा मिल जाएगा, पास्ता मिल जाएगा, डिमसम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर तंदूरी फूड देखने को मिल जाएगा और उसके अलावा भी यहाँ पर आपको काफी सारे फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। और दोस्तों अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ का बार मेन्यू, जिसमें अल्कोहलिक ड्रिंक्स के तो बहुत सारे ऑप्शन है ही, लेकिन हमको ये पसंद आया कि यहाँ पर नॉन अल्कोहलिक्स के लिए भी बहुत कुछ है। दोस्तों अभी हमने आपको पूरा एम्बियंस दिखा दिया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अब हम यहाँ पर फूड ऑर्डर करते हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। आज हम काफी दूर से भी आए हैं, हम किसी काम में गए थे बीच में, तो थोड़ी ज्यादा तेज भूख लग गई, तो फूड अच्छे से मंगवाते हैं और सबका आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ की टाइमिंग शेयर कर देंगे, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकते हैं। टाइमिंग्स काफी सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं, तो इसलिए हम आपके साथ स्क्रीन पर ही शेयर कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको वेट ना करना पड़े हमारे रिप्लाई का। वैसे हम सभी का रिप्लाई करते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर यहाँ पर बिजी आवर्स भी दिख रहे होंगे, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ ऑर्डर करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ही वेट करने के बाद हमारा फूड आ चुका है और आज हमने दो वेजिटेरियन डिश और दो नॉन वेजिटेरियन डिश ऑर्डर करी है, जिसमें फर्स्ट डिश है पनीर टिक्का और हमारी फर्स्ट वेजिटेरियन डिश के बाद हमारी फर्स्ट नॉन वेजिटेरियन डिश है ये मटन सीख कबाब। इसके बाद हमने एक और वेजिटेरियन डिश ऑर्डर करी थी जिसका नाम था दही कबाब। एक्चुअली ये सॉफ्ट क्रीमी पनीर है जिसको ऊपर से क्रिस्पी कोट कर दिया गया है और ये हमारी आज की लास्ट चिकन डिश जिसका नाम है मलाई चिकन टिक्का। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने तीन ड्रिंक्स ऑर्डर करी है और अभी हम थोड़ी देर में एक और ड्रिंक ऑर्डर करेंगे, जिससे कि दो दो हमको मिल जाएं। लेकिन जब हम अपनी फोर ड्रिंक ऑर्डर करेंगे तो हम आपको उसका भी टेस्ट रिव्यू दे देंगे, लेकिन अभी हम आपको इन ड्रिंक्स के नाम बता देते हैं। दोस्तों ये जो दो बड़े ग्लासेस में आप देख रहे हैं ये दोनों शेक है, जिसमें ब्राउन वाला है ब्राउनी चॉकलेट शेक, ये पिंक वाला स्ट्रॉबेरी शेक है और ये छोटे वाले ग्लास में ब्लैक करंट मॉकटेल है। चलिए दोस्तों अब आपको फूड रिव्यू देते हैं। ये है पनीर टिक्का मसाला और अगर थोड़ा और थोड़ा बहुत नाम इधर उधर हो रहा होगा तो मैं आपके साथ बिल्स वगैरह सब कुछ शेयर कर दूंगा, उसमें देख लेना। पनीर इज सो टेंडर, दिस इज सो टेस्टी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मजा आ गया। मस्ट ट्राई है वेजिटेरियन लोगों के लिए, क्योंकि हम ना मोस्टली चिकन और नॉन वेज डिशेस ट्राई करते हैं, तो काफी सारे लोग ये भी बोल रहे थे लास्ट टाइम पर कि वेजिटेरियन लोगों के लिए भी कुछ दिखाओ। तो भाई वेजिटेरियन के लिए तो सबसे बेस्ट चीज पनीर ही होती है, तो सबसे पहले आज हमने आपको पनीर का रिव्यू देकर बताया, बहुत बढ़िया पनीर है यहाँ का। अब हम आपको नेक्स्ट डिश बताते हैं कि कैसी लग रही है, अगर थोड़ी बहुत अगर बेकार भी होगी तो भी बताएंगे और अच्छी होगी तो भी बताएंगे, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे हमेशा की तरह। और यह है सेकंड वेजिटेरियन डिश दही कबाब। दही कबाब और ये थोड़ा सा कटा हुआ है क्योंकि मिनी ब्लॉक के लिए, बिल्कुल मेल्ट हो रहा है मुंह में, बहुत ही अच्छा है इसका और ये क्रिस्पी है। हाँ। और बहुत ही सॉफ्ट भी है, बहुत ही टेस्टी है, ये मस्ट ट्राई, मतलब फूड बहुत अमेजिंग है फूड। देखो भाई इन्होंने आपको नॉन वेजिटेरियन डिश नहीं बताई है, वेजिटेरियन डिश बताई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नॉन वेजिटेरियन डिश ऑर्डर करी है और वही आपको टेस्ट रिव्यू दूंगा, क्योंकि मेरे को वेजिटेरियन डिश ज्यादा पसंद नहीं है और बाहर आए तो यार वेजिटेरियन क्यों मंगवाना और क्यों खाना,
जबकि प्राइजेज ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, मतलब मेरा तो ये सोचना है, बाकी किसी का अलग भी हो सकता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी आपको टेस्ट रिव्यू देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली डिश है हमारी नॉनवेज वाली, ये मटन सीख कबाब, और इसको ट्राई करते हैं अनियन के साथ। लोग फोर्क वगैरह के साथ खाते हैं, लेकिन भाई हम देसी लोग हैं, ऐसे ही खा लेंगे। भाई बहुत बढ़िया टेस्ट है इनका, मतलब बहुत ही अच्छा है, अनएक्सप्लेनेबल। जैसा कि आप कबाब सोचते हैं बिल्कुल वैसे कबाब है। और तो मैंने काफ़ी सारे कैफेज में देखा है कि जो कबाब होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं मिलते, मतलब जो क्लासिकल डिशेज होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं मिलती, मॉकटेल्स कॉकटेल्स अच्छे मिलते हैं, बट यहाँ के कबाब सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये तो मटन डिश थी, और ये है हमारी चिकन डिश, इसका नाम है मलाई चिकन टिक्का। इसको भी हम भाई हाथ से ट्राई कर लेंगे। अनियन ले लेते हैं इसमें भी। अरे भाई ये पत्ता क्यों आ गया इसमें, इसको हटा देते हैं, इसको इसके ऊपर रखकर अब ट्राई करते हैं। प्रॉपर वाइट बना लिए तुम्हारे भाई ने। भाई सच में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मेल्ट हो रहा है चिकन, एकदम टेंडर है, प्लस जो इसके स्पाइसेस हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, चिकन अलग ही पता चल रहा है, बिल्कुल फ्रेश है। मजा आ गया भाई आज तो इस कैफे में आकर, ना मन खुश हो गया, इतना अच्छा फूड मिल जाता है ना। एम्बियंस भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को पिक्चर्स वगैरह चाहिए, लेकिन फूड अगर अच्छा मिल जाए तो भाई सब कुछ सफल है, क्योंकि मेन पैसे तो फूड के ही हैं। मेरी गंदी उंगलियों को थोड़ा इग्नोर करना प्लीज। और आज हमने मंगवाए हैं चार ड्रिंक्स। भाई ड्रिंक्स के नाम तो अब आपको यही बता सकते हैं, चलो बताओ जल्दी से। हमने चार ड्रिंक्स ऑर्डर की हैं। दिस वन इज चॉकलेट ब्राउनी स्ट्रॉबेरी, दिस इज सेनोरिटा, एंड दिस वन इज द ब्लैक करंट। ब्लैक करंट है इसका नाम, तो आपको करंट लग जाएगा से पीके। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेट्स ट्राई दोस्तों, देखते हैं कि टेस्ट कैसे है। थोड़ा ये कप ये ग्लासेस थोड़े खाली इसलिए क्योंकि हमने मिनी ब्लॉग्स के लिए ऑलरेडी ट्राई कर लिए, बट इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। आप इसी गर्मी में समर्स में आकर अगर पियेंगे बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे, मूड बिल्कुल एकदम ताजा हो जाएगा। ये वाला आप टेस्ट करके बताओ। ये और टेस्ट करते हैं द ब्लैक करंट। वाओ इतना टैंगी इसका टेस्ट है कि टेस्ट बड्स को ना एकदम से ओपन करेगा। ये बहुत बढ़िया है, फ्रेश कर दिया, बहुत बढ़िया है। तो भाई इसको तो मैं पीऊंगा फिर। हाँ, तुम मत पीना। इसको मैं पीऊंगा। भाई ये देखने में सुंदर लग रहा था इसलिए इसको मैं ट्राई करूंगा, इनको ट्राई नहीं करने दूंगा। इसका नाम है सेन्योरिटा। भाई क्या बात है, आओगे ना कोई भी ड्रिंक मंगवाओ या मत मंगवाओ ये जरूर मंगवाना, अगर आपको टैंगी चीजें पसंद है। अगर टैंगी चीजें पसंद नहीं है तब तो और बात है, बट अगर आपको टैंगी ड्रिंक्स पसंद आते हैं ना तो भाई ये आपको जरूर पसंद आएगा 100%। अगर ना पसंद आए ना तो आप कमेंट में जरूर बताना मुझे, भाई 100% बता रहा हूँ बहुत पसंद आएगा आपको। अब मेरा सेकंड शेक स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि कुछ ना बहुत मिनिमल पीने का भी मन था जिसकी क्वांटिटी अच्छी हो। मैंने पूछ लिया था कि क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, उन्होंने बोला इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। ये तो बहुत अच्छा है, ये भी ट्राई करके देखो तुम। पूरे स्ट्रॉबेरी चंक्स आ रहे हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा, मतलब स्ट्रॉबेरी शेक बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉबेरी शेक नहीं है जैसा कि आप पीते हैं कहीं पर भी रोड वगैरह पे, वैसा नहीं है, बिल्कुल अच्छा इसमें क्रश यूज़ करा है, प्लस स्ट्रॉबेरी चंक्स बिल्कुल ओरिजिनल, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों इसको पीने में। तो अब बोलना हो चुका है मुश्किल, क्योंकि मुंह में आ गया पानी इतना सारा खाना देख के। अपना फूड फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों कैफे कवर करके अभी हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, और हम हमेशा आपके साथ डिटेल रिव्यू शेयर करते हैं, तो अब भी हम आपके साथ डिटेल रिव्यू शेयर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज फर्स्ट पॉइंट हमको सबसे बेहतरीन वहाँ का लगा, वहाँ की सर्विस बहुत ही अच्छी थी, सब लोग बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे, फ्रेंडली थे, और हाइजीन भी वहाँ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। हमने फूड बोला था कि एक साथ सर्व करना, वैसे हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑर्डर था आज, तो फूड भी बिल्कुल साथ में सर्व हुआ, और सबसे बड़ी बात ऑन टाइम सर्व हुआ, तो हमको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, सबसे अच्छी बात हमको यही लगी। और दोस्तों सेकंड पॉइंट आता है वहाँ का फूड, तो फूड बहुत टेस्टी था, ड्रिंक्स बहुत रिफ्रेशिंग थे, और फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी अपने प्राइस को जस्टिफाइड कर रही थी। एंड गाइस थर्ड पॉइंट है वहाँ के एम्बियंस का है। एम्बियंस ऐसा है कि प्रॉपर क्लब वाला, अगर आपको क्लब पसंद है और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो बजट फ्रेंडली क्लब बोलेंगे हम वहाँ पर, बिल्कुल वाइब अनबीटेबल है, वाइब बहुत ही अच्छी है, वहाँ के लुक्स बहुत अच्छे, पिक्चर्स आपकी अच्छी अच्छी आएंगी, और रजौरी गार्डन के अगर आसपास रहते हैं तो बिल्कुल बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए। बहुत बढ़िया कहते हैं, और बार मेन्यू भी उनका बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, हमने आपके साथ शेयर कराई था, वहाँ पर आपको सभी तरीके के अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिल जाएगी, मॉकटेल्स मिल जाएंगे, कॉकटेल्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, तो आप उसके बारे में तो चिंता कीजिएगा ही मत। और अगर आप शीशा के शौकीन हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे शीशा मिल जाएंगे, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। तो दोस्तों यही था आज का डिटेल्ड रिव्यू, हमने आपके साथ प्रॉपर शेयर कर दिया, वैसे हमने आपके सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, लेकिन अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो यही था आज का ब्लॉग, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एज ऑलवेज, थैंक यू।